हाई एवरी वन माई नेम शिवांगी अग्रवाल या लॉ मैंटर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट समथिंग रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज द नीड ऑफ़ आर इज the students are in the dilemma ma'am single group or both groups ma'am should i rather skip this upcoming december 24 examination and aim for a rank or aim for both groups in june 25 yeah, is it even possible uh, to crack such difficult examination in just 90 days because that's what we have remaining in our hands and 90 days my dear is the most critical milestone Kyoki, you have to decide यू हैव टू मेक अ टारगेट सेट अ टारगेट यू हैव टू प्लान और क्योंकि अब नहीं समले ना तो हाथ आएगा तो सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट्स काश कर लिया होता तो इन रिग्रेट्स को आपके मन में ना आए तो ये जो एक माइलस्टोन है यहाँ पे मैं आपसे कुछ सीरियस इश्यूज के बारे में बात करना चाहती हूँ आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ एंड मोर ओवर डन हाउ शुड बी योर अप्रोच सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल दी एंड ऑफ कॉर्स आई ट्राई टू बी एज फास्ट एज आई कैन बट एंड तक देखना टू हैव अ क्लियर विजन एंड अंडरस्टैंडिंग राइट सो विल बिगिन सबसे पहली बात अटैम्प्ट डेफर मत कर मैम क्यों आप ऐसे बोल रहे हो मैं एक डिस्क्लेमर आपको और दे दूँ आई एम टॉकिंग टू मेजोरिटी ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड दीज थिंग्स आर एप्लीकेबल टू मेजोरिटी ऑफ़ द स्टूडेंट्स बिकॉज एक ये वीडियो जा रहा है आपका यूट्यूब पर है ना तो वहाँ पर आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टू एड्रेस राइट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं हु फॉल इन टू एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस तो उनके लिए भाई केस थोड़ा सा अलग होगा यू हैव टू अप्लाई योर ओन जजमेंट ऑल्सो राइट तो हर जगह आपका खुद की कुछ जो एडिशनल एलिमेंट्स होते हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके ही यू कैन टेक अ डिसीजन एंड मेक अ चॉइस राइट सबसे पहले अटेम्प्ट डिफर नहीं करना है आपको पता है आपके एक अटेम्प्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है इट्स रफली फाइव लैक्स सिक्स लैक्स राइट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट यू गेट अ पैकेज ऑफ एवरेज टेन लैक्स राइट लाख का आप नुकसान कर रहे हो एक अटेम्प्ट आपने डिफर किया तो क्यों कर रहे हैं हम जस्ट बिकॉज वी हैव अ होप नहीं अभी देंगे तो दोनों नहीं हो पाएगा बाद में दोनों हो जाएगा सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा एंड ऑल दैट नो प्लीज डोंट डेफर योर अटेम्प्ट एट ऑल यू जस्ट हैव टू डिसाइड वेदर

Roughly hai 90 days, right? And if I am appearing agar up appear ho for both groups, both groups, you will have you will have 10 days for each subject, which comes out to be 80 days and 10 days we keep in buffer, right? If you're appearing for just single group, well, in that case, you will have 20 days for each subject. 20 days for each subject. Listen to me very carefully. There are some very important things that I need to discuss with you and tell you. Firstly, you have to understand that yes, it is completely possible to crack your examination in 90 days, right? But you cannot start it from the scratch. So if you are at a position zero, वेल देन डोंट इवन थिंक ऑफ अपियरिंग एंड गोइंग फॉर बोथ द ग्रुप्स मत सोचना बिल्कुल भी तब तो सिंगल ग्रुप को ही टारगेट रखो और किसी तरीके से कोशिश करो कि अपने ये नाइन्टी डेज को आप एटलीस्ट वन ट्वेंटी डेज में कन्वर्ट कर पाओ हाउ डू वी डू दैट ऑफकोर्स बाय इंक्रीजिंग द एफर्ट तो जितना ज्यादा हम एफर्ट लगाएंगे उतना ज्यादा हम उस दिन में से आउटपुट निकाल पाएंगे तो एक दिन की जगह हम कहीं ना कहीं वन पॉइंट टू फाइव डेज का आउटपुट निकाल लेंगे एंड डैट्स हाउ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज बी ऑर वी कैन एक्चुअली पुट इन द हार्ड वर्क ठीक है अब एक सवाल और आता है बच्चों को कई बार लगता है कि क्या मैम इस जंक्चर पे क्लासेस लेने चाहिए मतलब इतना कम टाइम बचा है और इधर उधर सब बोल रहे हैं कि क्लास ले लो यार हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है ये नहीं है वो नहीं है तो आई वुड से इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन बट येस इफेक्टिव बहुत होते हैं ठीक है uh, अगर मैं बात करूँ सपोज इटली देर इज अ सब्जेक्ट जिसमें आपको दिख रहा है यार अभी हमने अपियर किया था एंड आई एम समहाउ नॉट गेटिंग मोर देन फोर्टी मार्क्स तो आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट को अपना स्ट्रांग पॉइंट बनाना होता है जिसमें इंस्टीट्यूट ठीक ठीक है मार्क्स मिल रहे हैं आई एम एबल टू पुट इन द एफर्ट आई एम एबल टू डिलीवर इट वॉट एवर इट इज सो यू हैव टू मेक सम सब्जेक्ट्स एटलीस्ट दो सब्जेक्ट को कोशिश करना चाहिए एक ग्रुप में अपना स्ट्रांग पॉइंट बनाए ताकि हमारा ग्रुप ईजिली निकल जाए तो अगर आपको लगता है कि यार ये वीक फॉल वीक पड़ रहा है या यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में यू शुड गो फॉर गाइडेंस ठीक है मैं सच्ची बोलूंगी यार इतनी जगह आप इन्वेस्ट कर देते हो इतना इधर उधर इधर उधर खा पी लेते हो सब कर लेते हो इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर ना दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट ठीक है बोल लो जो बोलना है जिसको वो बोलना है बट इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट अब आप अगर मान लेते हैं कि वन फिफ्टी आवर्स के आपके कोई भी क्लासेस है तो आप इसको स्पीड वॉच कर सकते हो वन

और ऐसी जगह ही टारगेट करो और एम करो इफ 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 आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ लेट्स लेट्स बी स्पेसिफिक बिकॉज आई एम अ लॉ इंटर है ना तो अगर मैं लॉ की बात कर रही हूँ तो सीएम ए फाइनल लॉ सीएम ए इंटर लॉ सीएम ए फाइनल लॉ में मैं, मैं दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करती हूँ इन कंप्लीट इंग्लिश ऑल्सो एंड इट्स इन इंग्लिश ऑल्स नो वी प्रोवाइड अ कम्प्लीट सोल्यूशन वी डोंट जस्ट गिव यू द क्लासेस राइट सो सोल्यूशन का मतलब क्या है यूल हैव एन अंडरस्टैंडिंग देर आफ्टर यू डोंट नीड टू डू एनी थिंग फॉर द रिवजन बिकॉज यू हैव रिजन क्लासेस चैप्टर वाइज देर टू डू एनी थिंग फॉर प्रैक्टिसिंग बिकॉज यू हैव अ क्वेश्चन दो तीन महीने ही तो बचे हैं तो अब इतना इन्वेस्ट करना इतना खर्च करना तो डिफिकल्ट है तो ऑफकोर्स दर इज अ ग्रेट डिस्काउंट विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ बिकॉज रिजल्ट आया है एंड यू कैन अपलाई दूपन कोड रिजल्ट एंड

YouTube पे देख के सीनियर से पूछ के अपना गाइडेंस करके ले सकते हो राइट ना कमिंग बैक कि मैम इसको कैसे करना चाहिए अब देखो इफ़ यू आर इफ यू आर आई विल टेल यू द स्ट्रैटी बेसिकली ऑफ बोथ ग्रुप्स और उसको एग्जैक्टली exactly आप डबल कर दोगे तो आपकी सिंगल ग्रुप की इवेल्यूएटेड स्ट्रैटेजी आ जाएगी केस नंबर वन केस वन इज दैट यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल द क्लासेस क्या बात है एकदम बेहतरीन सिचुएशन में आप हो तो आपको टारगेट क्या करना है सेवन डेज फॉर ईच सब्जेक्ट मतलब आज से शुरुआत करनी है एंड सेवन डेज फॉर ईच सब्जेक्ट इट विल रफली कम आउट टू बी आई थिंक फिफ्टी सिक्स डेज राइट तो ये आपका फर्स्ट रिविजन हो गया ये आपका फर्स्ट रिविजन हो गया उसके बाद थ्री डेज फॉर ईच सब्जेक्ट थ्री डेज फॉर ईच सब्जेक्ट एंड दिस विल बी ट्वेंटी फोर डेज राइट right. तो ये आपका सेकेंड रिवीजन हो गया ओके सेकेंड रिवीजन हो गया अब आई होप यू नो द स्ट्रैटी कि हम फर्स्ट रिविजन सेकेंड रिविजन किस ढंग से करते हैं फर्स्ट रिविजन हैज टू बी अटमोस्ट डिटेल्ड रिविजन वेयर वी ट्राई टू हाईलाइट एंड पिन पॉइंटेडली सी द थिंग्स जो हमें डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं हम जहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट आई वॉज ट्राइंग टू रिकॉल कॉल ओ अगेन आईम फोर्गेटिंग एवरी टाइम आई एम फर्गेटिंग देखो आप जैसे पढ़ाई करते थे ना स्कूल में कई बार ऐसा होता था कि यार ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं और फिर लगा कि यार ये टॉपिक तो हमेशा ही भूल जाता हो है ना तो जैसे स्कूल में आपने इतना एफर्ट दिया कॉलेज में इतना एफर्ट दिया यू हैव ऑलवेज बीन गुड एट स्टडीज एकेडमिकली प्रोफेशनली आपने बहुत अच्छा किया तो अब क्या दिक्कत हो रही है वही स्ट्रैटेजी हम फॉलो कर सकते हैं बस ठीक है थोड़ा सा हमारा सिलेबस इलाबोरेट हो गया है तो वही चीज़ हम ध्यान में रखेंगे और उसको नोट करते जाएंगे कि यहाँ, यहाँ 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 दिक्कत हो रही थी सेकंड रिवर्सन में उसका एम्फेसिस ज्यादा देना है एंड वी हैव टू चेक आर सेल्स कि क्या हम उसको ओवरकम कर पाए या नहीं कर पाए ताकि एग्जाम के एक दिन पहले एटलीस्ट हमें वो चीज़ जरूर देख के जानी है राइट right? तो आपका डिटेल्ड जो टाइम इन्वेस्ट करते हैं वो धीरे 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 क्या होता है आपका रिड्यूस होता है राइट एंड द लास्ट टेन डेज दैट यू विल हैव वन डे फॉर ईच सब्जेक्ट एंड अलॉन्ग विद मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट भला ही आप सोच रहे हो कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है मॉक टेस्ट का मॉक टेस्ट का टाइम निकालना पड़ेगा समहा ठीक है सो दिस इज द वेरी फर्स्ट केस एंड आई वुड से लास्ट टेन डेज वन डे इच उल्टा लिख लेना यह आपका क्या हो जाता है थर्डन हो जाता है with mock test. मैं लिख दे रही हूँ विद मॉक टेस्ट दिस इज अ रेयर और एक्सेप्शनल केस जिसमें मुझे लगता है हार्डली कोई बच्चा फॉल कर रहा होगा और जो बच्चे फॉल करते हैं उनका विजन इतना क्लियर होता है कि शायद उनको इतनी गाइडेंस की जरूरत भी ना हो राइट सो आई विल रादर मूव टू द नेक्स्ट केस है ना uh, अगले केस की बात करेंगे जो जनरल सबके ऊपर एप्लीकेबल होता ही होता है तो ऐसे बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है यू हैव टू मेक एन एक्सेल चार्ट ठीक है मेक एन एक्सेल चार्ट या फिर आप एक कॉपी बना लीजिए कुछ भी बना लीजिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके हर दिन के टारगेट्स क्लियर हों और वो टारगेट्स को आप अचीव कर पाओ ठीक है बिकॉज वॉट वर्क एज अ मोटिवेशन कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं ना यार मैम नहीं हो रहा है एंड वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड बट वी आर अनएबल टू वी डोंट फील मोटिवेटेड आई फील डिप्रेस्ड द फर्स्ट डे आपने ये टारगेट बनाया इफ यू अचीव दैट जो पहले दिन का सेटिस्फैक्शन होगा दैट वर्क्स एज अ मोटिवेशन फॉर द नेक्स्ट डे ट्रस्ट मी ऑन दिस मैं यहाँ पे हर एक बात जो बोल रही हूँ ना बहुत ज्यादा इवेल्यूएट करके बहुत ज्यादा एनालाइज करके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ सो ट्रस्ट ऑन दैट राइट तो क्या करना है ट्वेंटी फोर आवर्स होते हैं मैम हमारे पास जिसमें से भाई कम से कम सेवन आवर्स की स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट तो ट्वेल्व आवर्स की पढ़ाई का हम टारगेट करते हैं मिनिमम टेन आवर्स

ठीक है अपने आप को पुश करना है ठीक है बट नो योर लिमिट्स एंड स्टार्ट योर डे अर्ली ट्रस्ट मी इफ यू ओन योर मॉर्निंग्स ना यू आर ऑलरेडी वन स्टेप क्लोजर टू सक्सेस ठीक है तो कोशिश करनी है कि जल्दी शुरुआत करें और जितना भी टारगेट हमने बनाया है उसको फर्स्ट हाफ में मैक्सिमम पोर्शन को कंप्लीट कर सके ओके नाउ सम बेसिक टिप्स बिफोर वी एक्चुअली गो टू द टाइमलाइन एंड द चार्ट यू हैव मे बी यू मे बी टारगेटिंग बोथ ग्रुप्स यू मे बी टारगेटिंग सिंगल ग्रुप्स राइट एंड अगर आप दोनों ग्रुप्स को टारगेट कर रहे हो तो आई बिलीव एटलीस्ट आपके चार से पांच सब्जेक्ट के क्लासेस अब तक हो गए होंगे सो वट यू हैव टू डू इज टेक अप टू सब्जेक्ट्स केस टू की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे केस टू इफ बोथ ग्रुप्स फ बोथ ग्रुप्स एटलीस्ट चार से पांच सब्जेक्ट के क्लासेस हो जाने चाहिए अगर ऐसा नहीं हुआ है तो प्लीज सी व्हाट पोजीशन यू आर इन और कोशिश करो कि यार एक ग्रुप को बहुत अच्छे से कर दे ठीक है If you can push yourself that there was some reason, ma'am, एकदम नहीं हो पाया again. I would say if you fall into that exceptional category, some circumstances are different, some cases are different, and you. तो फिर आप always you can discuss this with the closest mentor that you have, and उसके बाद आप ये call ले सकते हो. But otherwise, this is the general case that I believe in, and उसके बाद आपको ये काम करना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे आपको करना क्या है? You have to pick two subjects at once. ठीक है. एक को हम revise करेंगे, एक के हम class करेंगे. ठीक है एक का रिवाइज करेंगे एक का क्लास करेंगे एंड यू हैव टू फिनिश ऑल क्लासेस मैक्सिमम मैक्सिमम बाय अक्टूबर एंड अक्टूबर एंड उसके बाद रफली आपके पास एक मंथ रहेगा लेट्स कट इट शॉर्ट टू ट्वेंटी फोर डेज राइट ट्वेंटी फोर डेज की अगर हम बात करें यू हैव थ्री डेज फॉर ईच सब्जेक्ट अब अगर सिंगल ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं जस्ट डबल दिस डबल एवरी थिंग राइट ठीक है तो आपके पास क्या होगा यू विल गेट सिक्स डेज फॉर ईच सब्जेक्ट राइट दैट्स हाउ इट विल टर्न आउट टू बी राइट तो हर एक चीज अकॉर्डिंगली हो जाएगी अब ये थ्री डेज फॉर ईच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट मैम क्या ऐसे एक रिविजन करने से हम पास हो जाएंगे एंड दैट टू बोध ग्रुप्स ये यू कैन वाई सिंपल रीजन बींग कि अगर हमने क्लासेस एक साल पहले खत्म किए थे तो हमारी मेमोरी में बस इतना सा ही बचा हुआ है ठीक है वी हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग बट मेमोरी में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है इट्स टेकिंग मोर टाइम टू रिकॉल बट इफ वी हैव क्लास फिनिश्ड द क्लासेस जस्ट अ वीक बिफोर वेल वी हैव इतना इन आर मेमोरी तो उसको रिवाइज करने में टाइम भी कम लगता है सो अकॉर्डिंगली लेसर नंबर ऑफ रिविजन कैन ऑल्सो बी सफिशियंट एंड दे कैन वर्क यू विल नीड मोर टाइम फॉर द सब्जेक्ट दैट यू हैव फिनिश्ड बिहाइंड है ना तो अभी के में कम टाइम लगा लेंगे ओनली so right? जो एक्स्ट्रा मिल रहा है जो बोनस मिल रहा है वो बहुत अच्छी बात है ठीक है वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड की आर टारगेट बहुत बना लिए ठीक है ना हर रात को आपने ये जो चार्ट बनाया है इसमें आप करोगे क्या इसमें आपकी डेट रहेगी इसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा इसमें आपका टारगेट रहेगा कि क्या करना है और इसमें अचीव्ड uh, और यहाँ पे रिमार्क्स ठीक है ये इस तरीके से आपका होना चाहिए सो वेन यू अचीव इट यू पुट अ टिक मार्क एंड दिस वर्क एज अ मोटिवेशन ट्रेमेंडसली ठीक है तो हर रात में मतलब एक दिन पहले आप नेक्स्ट डे का कौन कौन से सब्जेक्ट अलग अलग यहाँ पे बना लेना और उनके टारगेट्स लिख लेना तो कौन कौन सा सब्जेक्ट हम पिक कर रहे हैं और उसमें क्या टारगेट हमने लिया है कि टुमारो आई हैव टू डू दिस आई एम गोइंग टू वॉच क्लास ऑफ सिक्स आवर्स उसके बाद मैं दो क्वेश्चन करने वाली हूँ या ये पर्टिकुलर चैप्टर हम रिवाइज करने वाले हैं वॉट एवर इज दिस इज अ मस्ट मैम इतना टाइम लग जाएगा इसमें नहीं लगेगा एक दो दिन आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा ये उसके बाद आपको ऐसी आदत हो जाएगी एंड इट्स गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू राइट बट सबसे ज़्यादा कोई भी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने में प्लानिंग इज़ वेरी गुड है ना प्लानिंग सब कोई बहुत बेहतरीन शायद कर ले बट एग्जीक्यूशन जब बेहतरीन होता है तब उसके रिजल्ट दिखते हैं एंड एग्जीक्यूशन करने के लिए यू नीड टू हैव अ क्लियर विजन एंड अ पॉजिटिव माइंड सेट सो क्लियर योर विजन वॉट इज माई टारगेट इसके लिए मैं काम कर रही हूँ या इसके लिए मैं काम कर रहा हूं ठीक है एंड विद विदिटिव माइंड सेट दैट येस आई बिलीव दिस इज द टारगेट दैट आई हैव टेकन आई हैव द एबिलिटी टू अचीव इट एंड आई विल अचीव इट ठीक है अब बस इसके मेथड्स देखने हैं कि कैसे कैसे क्या क्या, क्या करना है सो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू इट एंड यू आर गोइंग टू रॉक राइट तो बताओ जरा किस किस का विजन क्लियर हुआ एंड वॉट इज योर टारगेट दैट यू हैव फाइनलाइज फॉर अपकमिंग अटेम्प्ट राइट थैंक यू